स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो एक्टिविटी 13.1 समझेंगे। लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट आता है, हीट जनरेट होती है, जैसा हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, पढ़ा था ना H=I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जब भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीटिंग इफेक्ट आता है। वैसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा, मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए है एक्टिविटी 13.1, ये हम समझेंगे। टेक अ थिक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर है। सबसे पहली बात, थिक क्यों बोला गया है, वायर इट इज थिक। थिक कॉपर वायर हमने लिया है, यस, थिक कॉपर वायर मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर होगा तो रेजिस्टेंस लेस, क्योंकि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस लेस। ठीक है, एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस लेस। अब ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर, यहां बोल सकते हो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, और हम यही तो चाहते हैं कि करंट फ्लो हो, ज्यादा करंट फ्लो हो, इसलिए हम थिक कॉपर वायर लेंगे। क्लियर हो गया, प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स x एंड y के बीच में हमने एक थिक कॉपर वायर ले लिया है। द वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे सपोज ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है, वायर को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, यही दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस वायर। मेरे पास एक कंपास नीडल है, खराब है लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा कि कंपास नीडल इस तरह की है। इसको हमने रखा है यहां पर, एक कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर। ठीक है, और ये सर्किट इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। इधर रेजिस्टेंस है, एमीटर है, बैटरी है, की है। तो कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से कॉपर वायर है और यहां पर हमने कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक एक कंपास निडल रख दिया। बैटरी में देखेंगे ये साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव, लंबा वाला पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो एमीटर का पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला एमीटर का नेगेटिव होगा। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये। अब देखें आगे क्या दिया हुआ है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इन टू द प्लग। सर्किट में करंट फ्लो किया हमने, करंट पास किया, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमने पास में जो कंपास निडिल हमारा था वो हमने देखा, तो उसमें क्या होगा, जब जैसे ही यहां पर करंट फ्लो होने लगेगा इस कंपास निडिल में डिफ्लेक्शन आएगा। तो डिफ्लेक्शन क्यों आया, क्योंकि आस पास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे डिटेक्ट किया, बाय यूजिंग कंपास निडिल। कंपास निडिल में अगर डिफ्लेक्शन आ गया इसका मतलब कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। ठीक है, तो हम बुक से देख लेते हैं। वी सी दैट निडिल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गई, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, करंट पास किया, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। हम मैग्नेट्स को मूव करके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी ला सकते हैं। यही हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी शैल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स विच इन्वॉल्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जनरेटर हम पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। इसी में एक चीज हम और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जो करंट दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये करंट कैसे जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वायर मेरे राइट हैंड थंब रूल बता रही हूँ, आगे आएगा लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि टॉपिक है जिसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। हम अगर करंट का डायरेक्शन दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे, होल्ड करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर को इन योर राइट हैंड सच दैट इफ थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ थंब, ये थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रैप ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो कहां से देखोगे, ऊपर से झांकना, ऊपर से इसको ऐसे झांको। तो रैप ऑफ फिंगर्स कैसा है, करंट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर से झांको, इसमें आपकी जो फिंगर्स का रैप है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखिए, अपने हाथ में करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे फील्ड का रैप, फील्ड फिंगर्स का रैप दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां पर हमने करंट डाउनवर्ड लिया है,
तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर रहे हैं, कहीं कहीं पर एफ से भी करते हैं, फील्ड हो गई क्लॉकवाइज, क्लियर।